यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसका, इंटरनेट का। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विथ द इंटरनेट। इट इज पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विथ एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। पहला डेफिनेशन याद रखना है कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। दूसरा इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन याद रखना है कि इंटरनेट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंटरनेट इज अ वे वेयर ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क वेयर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय यूजिंग इंटरनेट। बस इतना याद रख लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। अब आपका जो कंप्यूटर है, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऑफलाइन मोड में है, ऑफलाइन बोला जाता है उसको। लेकिन जैसे ही योर कंप्यूटर कनेक्टिंग ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, जैसे ही हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन हो जाना कहते हैं। अब इस बात को देखा जाए तो यहाँ नोड्स दिख रहा है, यहाँ पे नोड्स दिख रहा है, कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, बीच में ये एंटीना टाइप दिख रहा है। तो हो सकता है ना कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वायर हो या वायरलेस हो, दोनों तरीके से हो सकती है। यानी कि अगर वाईफाई वगैरह से हम कनेक्ट होते हैं तो वायरलेस की बात हो जाती है, लेकिन अगर हम वायर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन आता है उसके थ्रू इंटरनेट चलता है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, तो वहाँ से तो वायर आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि दो तरीके से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता जा सकता है। एक मीडिया का नाम है अनगाइडेड मीडिया, और दूसरे को कह सकते हैं गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, और गाइडेड मीडिया का मतलब होता है कि वायर्ड कम्युनिकेशन। एनी प्रॉब्लम किसी को भाई? नो सर। ओके, तो इंटरनेट की ये बातें हो गई। अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ कि वर्ल्ड, देखिए इंटरनेट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है आपके वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम से। वर्ल्ड वाइड वेब को ट्रिपल डब्ल्यू आप बोलते हैं ना, ट्रिपल डब्ल्यू बोलेंगे, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तीनों मिलके क्या बना, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इंटरनेट को आप वर्ल्ड वाइड वेब नहीं कह सकते, और वर्ल्ड वाइड वेब को आप इंटरनेट नहीं कह सकते, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? तो ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स। यहाँ देखिए एक ही पॉइंट में क्लियर होता है, इंटरनेट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट, नॉट अ इंटरनेट इज ओनली ओनली द वे, एक तरीका है, ओनली द वे टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर और मेकिंग आवर कंप्यूटर ऑनलाइन। इंटरनेट एक तरीका है, वे है किसी चीज से जुड़ने का, बट वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स का कलेक्शन है, और यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो वही मीडियम, मीडियम हमारा क्या है, इंटरनेट मीडियम है। सो इंटरनेट इज नॉट अ वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट अ इंटरनेट, बोथ आर डिफरेंट। ओके, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? सो योर होमवर्क इज, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट, राइट इन योर कॉपी। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके,
ओके, अब एक वेबसाइट क्या होता है? एक नॉर्मल वेबसाइट, जैसे कोई वेबसाइट आप खोल रहे हैं, तो देखिए, एक वेबसाइट मेड अप रिलेटेड टेक्स्ट इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेस, मतलब एक वेबसाइट जो होता है ना, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन शो करता है। वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, किसी कंपनी का होगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन का होगा, किसी स्कूल का होगा, किसी कॉलेज का होगा, बहुत सारी चीज़ों का वेबसाइट हो सकता है। तो वेबसाइट इज मतलब हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस, डिफरेंट तरह के पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट, एंड द मेन पर्पस ऑफ वेबसाइट इज टू शो द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। मेन पर्पस वेबसाइट का यही होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसको शो करना, उसको दिखाना, यही हमारे वेबसाइट का काम होता है। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने जो कहा वो भी लिख सकते हैं कि वेबसाइट इज ए मेड अप रिलेटेड टेक्स्ट इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेस। वेबसाइट रीअसेंबल अदर फॉर्म्स मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, और दे कैन इंटरैक्टिव इन अ वे दैट्स यूनिक टू कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया कि ये जो डेफिनेशन हो गया थोड़ा डीपली चला जा रहा है, बट हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग क्या लिखना है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस एंड ईच एंड एवरी वेब पेजेस शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। हो गया, यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वेबसाइट क्या होता है, www क्या होता है, और इंटरनेट क्या होता है। ये तीनों चीज़ों में बेसिकली डिफरेंशिएशन है, जो कि हम लोग तीनों चीज़ों को एक ही मान लेते हैं, बट ये एक नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। वेबसाइट को या इंटरनेट को चलाने के लिए, ठीक है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आप ही लोग बता दीजिए एक दो आदमी, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जिसे आप एक वेबसाइट या एक इंटरनेट चला पाएं, बताइए। कुछ नहीं पता, अंकित वर्मा, मिताली सिंह, अर्जु सिंह, निहारिका रंजन, निशा कुमारी, पिंकी सिंह, रिया राय, रश्मि कुमारी, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बेसिकली चाहिए? डिवाइस तो चाहिए ही चाहिए। अब डिवाइस की मतलब क्या, डिवाइस मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो ये इंटरनेट को चलाने के लिए ना, आप लोग समझिए, इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरत होता है, वो यहाँ देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वेब ब्राउज़र। समझ में आई बात? अरे यस बोलिए, क्लास चल रहा है ना? मुझे क्या पता है कि आप लोग क्लास कर रहे हैं कि ऑन करके टीवी देख रहे हैं। यस नो बोलिएगा तब समझ में आएगा। तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है वेब ब्राउजर, ठीक है। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, दैट इज अ वेब ब्राउजर। यहाँ देखिए मेरा एरो कहाँ जा रहा है, ये क्रोम का साइन है ना, गूगल क्रोम, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। ये क्या है, ये पता नहीं नया चीज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। इसी तरह मोंजाइला फायरफॉक्स है ना, ओपेरा, सफारी। तो ये सारे नाम जो हैं किसके नाम हैं, वेब ब्राउजर के नाम है। वेब ब्राउजर ये प्रोग्राम और ए सॉफ्टवेयर वेर यू कैन रन योर इंटरनेट एक्टिविटीज। वेब ब्राउजर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे जिसके बिना आप इंटरनेट नहीं चला सकते। तो इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउजर बहुत जरूरी होता है। तो जरूरी होता है तो उसका नाम भी तो आना चाहिए कि कितने वेब ब्राउजर हैं।
याद रख लो ना, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, ओपेरा वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है। इतने सारे तो नाम बता दिए मैंने, अब एक दो नाम आप बताइए। सुनने के लिए बैठा हूं मैं, सुनाइए। अब क्या हुआ, साइलेंट मोड? हाँ, यूसी ब्राउजर भी हो सकता है। पिंकी सिंह, यूसी ब्राउजर, हाँ हो सकता है यूसी ब्राउजर। ब्राउजर के नाम याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सभी आदमी नाम क्यों नहीं याद कर ले रहे हो? क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, नाम याद कर लो ना। हाँ बोलिए। क्रोम हाँ क्रोम है, गूगल क्रोम जिसको बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, सही बात है। और बताइए। हाँ ओपेरा मिनी भी है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, मतलब चार पांच का नाम तो हमें याद होना चाहिए। मोजीला फायरफॉक्स, मतलब इतने नाम आप लोग याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे इस बात को, फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं, ठीक है? तो आप लिखिए व्हाट इज वेब ब्राउजर और नेम सम वेब ब्राउजर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। वेब ब्राउजर क्या है और वेब ब्राउजर का नेम क्या है? लिख लिया? यस सर अब ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, ओके? थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए जो बातें सम। हाँ सर, डक डक गो क्या है? ठीक वो सर्च इंजन है, वीडियो को देखिए क्या सवाल है, कैसे वर्क करता है इंटरनेट, और फिर इसी से हम लोग समझेंगे आगे। चलिए
this way. Just think, most of your tweets and emails have been underwater. Running under the seabed, these thousands of kilometers of fiber optic cable are known as the internet's backbone. Without them, the global internet just wouldn't work. Amazingly, they're only as thick as a garden hose, making them prone to the occasional shark bite. So, if your internet's slow, blame up on your shark. It's never a big problem. The cable network's so fast, the request simply reroutes. Contrary to popular belief, the internet is never down. The request finally reaches the data center housing the server where the website lives. The server sends the request and information back across the network, broken down into chunks of data called packets, which your device puts back together like a jigsaw to form the web page you see on your screen. And all this happens in the blink of an eye, all over the world, millions of times per second. हाँ तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में आई बातें? अब कोई बोल नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा आया। किसको पूरा आया? मिताली पूरी तरह से नहीं आया। आकांक्षा, आरजू, नो सर। चलिए कोई बात नहीं, देखने में मजा आया ना? चलिए कोई बात नहीं है, अब नहीं आया तो उसको हम कवर करेंगे और उसको समझाएंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है, कैसे इंटरनेट चलता है, कैसे इसको हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि इंटरनेट जो भी है, हाउ डज द इंटरनेट वर्क, इसका क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज इंटरनेट वर्क। तो इंटरनेट कौन हमें देता है, ये सबसे पहला सवाल है। ये तो आप समझ गए कि दो मीडियम से हमारे पास आता है। एक मीडियम होता है फिजिकल मीडियम, जिसको हम लोग कहते हैं गाइडेड मीडिया, और दूसरा मीडियम हम किसको कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया, जिसको वाईफाई वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और ये भी बात क्लियर हो गई कि इंटरनेट के थ्रू पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, ना कि कंट्री, ना कि स्टेट, ना कि एक छपरा शहर। इंटरनेट के थ्रू क्या है, पूरे का पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड। और यहाँ एक इंटरनेट कहने का मतलब, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब हिंदी क्या होता है इसका, इसका हिंदी होता है कि जालों का जाल तंत्र है। ठीक है, जालों का जाल तंत्र है, मतलब इतना वायर्ड मीडियम, अनवायर्ड मीडियम से चारों तरफ से फिर क्या हुआ है कि कनेक्टेड है, चारों तरफ से हमारे वायर्ड और वायरलेस मीडियम्स हैं जिसके थ्रू कनेक्टेड है। इवन सी, ओशियन, सब में हमारा कनेक्शन गया हुआ है, पार किया हुआ है, इंटरनेशनल जगहों पर पहुँचा है। और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते भी बनाए गए हैं, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। अब हम यहाँ पे facebook.com खोलते हैं, तो facebook.com ये बताइए कि आपके घर पे है, नहीं ना, वो तो सर्वर में है। अब सर्वर कहाँ है, सोचिए, जहाँ होगा 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर होगा सर्वर, वहाँ तक पहुँचना है रिक्वेस्ट को। अब वो वायर्ड मीडियम से पहुंचे तो, चाहे वायरलेस मीडियम से पहुंचे तो आईएसपी के थ्रू आगे बढ़ेगा। आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हम लोग जियो का नेट यूज कर रहे हैं, चाहे आइडिया का यूज कर रहे हैं, चाहे एयरटेल का यूज कर रहे हैं, तो वो एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सारे सारे क्या हैं, आईएसपी हैं, या नोट डाउन करने वाली बात है, आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो इंटरनेट के मालिक नहीं है, उसके सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विसेज को वो देते हैं।
तो आप जिसका भी इंटरनेट यूज़ करिएगा वहाँ से वो हो जाएगा, इवन सी होते हुए ओशियंस को पार करते हुए वहाँ पहुँचेगा, सर्वर में देखेगा कि है कि नहीं है। अगर एक रास्ता देखे नहीं वीडियो में कि हाँ केबल को सार्क ने काट लिया, तो एक केबल कट जाने से क्या सारा शट डाउन हो जाएगा? नहीं, दूसरा रास्ता भी तो है, दूसरा रास्ता से घूम के हम चले जाएंगे और फिर उस डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ से उठ करके फिर वो डेटा हमारे मशीन पे आ जाएगा। और ये हमारे पलक झपकते होता है, यानी विद इन द नैनो सेकेंड ये काम होता है। तो सोचिए कि कितना आप स्पीडली वर्क हो रहा है आज दुनिया में। समझ में आई बात? तो समझना है, साथ साथ में इस पे और भी आप लोगों को रिसर्च भी करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को निकालना है उससे, अच्छी अच्छी बातों को देखना है, सवाल भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। तो आज ये आप लोग, मैंने जो जो होमवर्क दिया उसको आप लोग कर लेंगे, जो पढ़ाया उसको कॉपी पे लिख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।